एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। आई एम आर्या एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम क्लास 8 एनसीईआरटी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू एडेप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों तक फूड को पहुंचाना चाहते हैं, क्रॉप को, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना होता है। सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड एट वन प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। जब एक ही तरह का प्लांट लार्ज अमाउंट पे एक जगह पे कल्टिवेट किया जाता है, उसे क्रॉप बोलते हैं। इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स। इंडिया में क्रॉप को हमने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट रबी और दूसरा खरीफ। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टीलिंग एंड लेबलिंग। प्लो एंड लेबलर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पसेस। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सॉइल को टीलिंग और लेबलिंग से प्रिपेयर करो, क्योंकि प्लो और लेबलर को यूज किया जाता है इन सब पर्पस में, टीलिंग में भी और लेबलिंग में भी। ओके, सोइंग ऑफ सीड एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड यील्ड। ओके, हम अगर सीड को एक निश्चित डेप्थ में डालते हैं तो वो हमें अच्छा एक गुड यील्ड देता है। गुड वेराइटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। जो गुड वेराइटी ऑफ सीड सिलेक्ट होता है, वो हेल्दी सीड को हमें उनमें से सिलेक्ट करना होता है। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल। सोइंग किसकी हेल्प से होता है? सीड ड्रिल की हेल्प से होता है। सॉइल नीड रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिच्ड थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए और इनरिच बनाने के लिए हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना होता है, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना होता है, और इंक्रीज टेरमेंडसली विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। ओके, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो ये तो बहुत ही आसान है। वीडिंग इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। ओके, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाई मशीन। ओके, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल आर रियर। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये समझ गए हम। जब हम एक इंटरवल पे पानी को देते हैं क्रॉप को, वो इरिगेशन कहलाता है। अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना वीड कहलाता है। वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें हटाने का प्रोसेस वीडिंग कहलाता है। मैच्योर क्रॉप को जो मैन्युअली और मशीन से कट करते हैं, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। एंड सेपरेशन जो ग्रेन को करते हैं हम चाप से, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। और जो प्रॉपर स्टोरेज करना बहुत ही ज़रूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कीड़े मकोड़ों से हमारे ग्रेन को बचा के रखना ज़रूरी है हार्वेस्टिंग के बाद। ओके, फूड इज को हम लोग एनिमल से भी ऑब्टेंड करते हैं। दिस इज ये लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो इसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और एक बात और, यहाँ पे आपका एक दो टॉपिक था, यहाँ पे एक्चुअली स्टोरेज, पहला टॉपिक था आपका स्टोरेज और दूसरा था आपका फूड फ्रॉम एनिमल। ओके, तो मैंने क्या किया है कि स्टोरेज और फूड फ्रॉम एनिमल का एक एक्चुअली एडिड वीडियो है, यानी फूड फ्रॉम एनिमल और स्टोरेज, यानी दोनों एक ही टॉपिक में, यानी एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है, तो दोनों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो फॉर गेटिंग माई न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। ओके, From this side, Arya Singh, thank you.